चलिए आज बनाते हैं पोहे से हेल्दी नाश्ता, वो भी कम समय में और कम सामान में, एकदम हेल्दी और टेस्टी, सबको पसंद आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पोहा बनाने के सबसे पहले लिए हम जीरा और राय लिए हैं, और यहाँ पे हम लिए हैं प्याज कटी हुई, दो भेजों से प्याज काट लिए बारीक तरीके से, और हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, दो तीन हरी मिर्च है, और पोहा लिए हैं, दो कप पोहा है, एक बड़ा कटोरी में पोहा ले लिया, और हमें पानी ले लिया है। अब पानी में पोहे को हम एक मिनट तक धोएंगे, ज़्यादा नहीं धोना है, बस जितना देर आपको धोने में लगता है उतना ही टाइम देना है, ज़्यादा रखना नहीं है पानी में। तो देखिए आप छान लेंगे इसको अच्छे से, पानी निचोड़ निचोड़ के इसको हम सारे थाली में रख देते हैं। इसी तरीके से सारे पोहे को हम धो लेंगे अच्छे से, ज़्यादा पानी में नहीं रखना है, बस धोना है। तो चलिए पोहा धो के रेडी हो गया है, उसको हम फैला देते हैं थाली में, और हम थोड़ा यहाँ पे एक चम्मच चीनी लिए हैं, और नमक भी मिलाएंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा, तो नमक हम आधा चम्मच में हम मिला देंगे। चीनी और नमक से बहुत अच्छा आता है टेस्ट। तो यहाँ पे हम घी लेंगे एक चम्मच, आप तेल भी ले सकते हो जो खाते हो, घी एक चम्मच हम यहाँ पे मिला देते हैं अच्छे से। इससे क्या होगा कि नमक और चीनी मिल भी जाएगा, और घी से पोहा अलग अलग खिला खिला रहेगा। तो चलिए कढ़ाई ले लेते हैं, कढ़ाई गर्म, तेल ले लिया यहाँ पे सरसों का दो तीन चम्मच, और हम ये राई और जीरा यहाँ पे डाल देंगे, इसको हम जलने देंगे, और डाल देंगे कड़ी पत्ता और हरी मिर्च, इसको भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं, और अब डाल देते हैं प्याज कटी हुई, प्याज को भी हम भून लेते हैं दो मिनट, ज़्यादा जलाएंगे नहीं, थोड़ा सा भूनेंगे, हल्का सा ब्राउन कलर करेंगे इसको, देखिए। और इसमें डाल दें थोड़ा सा हल्दी आधा चम्मच, हल्दी कलर अच्छा आएगा, और हल्दी हेल्दी भी होता है। और मिर्ची हम डालें थोड़ा सा, आधा चम्मच से कम था मिर्ची, तीखा के अनुसार डालें, आपको तीखा पसंद है तो ज़्यादा मिर्ची डालें। इसमें और कोई मसाला नहीं डालना है, बस ये दोनों मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे एक मिनट तक, और अब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं पोहा। तो ये सारे पोहा को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे हम गरम पानी डालेंगे। गरम पानी डालने का मतलब ये है कि पोहा आपका सूखेगा नहीं जल्दी, नरम रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, खाने में भी सॉफ्ट लगेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे जब भूनते हो पोहा को तो गरम पानी डालिएगा, ठंडा पानी नहीं डालिएगा, गरम पानी से पोहा नरम रहता है। और हम गर्म पानी डाल देते हैं, गर्म पानी हम पहले से करके रखे थे, तीन बड़े चम्मच से हम गर्म पानी डाल दें, पोहा इसमें ज़्यादा है, तो इसके लिए अब पोहा देखिए कितना सॉफ्ट नज़र आ रहा है ना, ये जल्दी सूखता नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे गर्म पानी ऐसा हम आप भून लेते हैं, और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, नमक कम था तो यहाँ पे थोड़ा और नमक डाल दिए, नमक को मिक्स कर देते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें सिंग दाना डालेंगे, मूंगफली भुना हुआ फ्राई करके पहले से रख लिए थे हमने, ताकि आपका टाइम नहीं वेस्ट हो, तो इसीलिए हम तेल में फ्राई करके सिंग दाना को रख लिए थे, 200 ग्राम सिंग दाना है, और दो बड़े कप पोहा। कहेली नाश्ता बनके तैयार हो गया है, बच्चों को टिफिन दीजिए या फिर आप खाइए, बहुत हेल्दी है और कम समय में, दो तीन चार मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट में बनके रेडी हो जाता है। तो जल्दी से मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और शेयर और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी रेसिपी बनाऊँ तो आपके पास पहुँचे, और मेरा रेसिपी आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम पोहा कैसे बनाएं, और आप कैसे बनाते हो वो भी तरीका कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।